अगर कोई हंसता, ठीक है। और धीरे बोलना है खुद को। हाँ चलो चल शुरू कर। बहू एक कप चाय मिलेगी? अम्मा अभी तो चाय दी थी आपको। तू मेरा चाय पानी खाना गिनती हो गया? अम्मा इतनी बार बार चाय पियोगी तो पेट खराब हो जाएगा। मेरा पेट तो मेरा शरीर है, तुमने देनी है दो, मुझे नहीं चाहिए नहीं है। दिन चाय इतना आते का मन। जोर से बोल दीजा। बोलो तो मैं मन मन में कह रही हूँ ना, स्कूल में पता नहीं बोलो। नहीं माँ सुनना चाहिए ना क्या बोलते हैं। सारा दिन चाय बनाते रहो बस इनके लिए। बहन बहू के राज में मजे कर रही हो। आप भी कर ले बहन, हमें भी चाय पिला दीजिए। मुझे तो मिली नहीं, शायद आपके साथ मिल जाए। ऐसा क्यों, क्या हो गया ऐसा? बस क्या बताऊं, मैं तो परेशान आई हुई हूँ इस बहू से। हमने भी तो ऐसे सारा काम किया है, हमने भी तो सारे सारे सारी चीजें संभाली है, बच्चे भी संभाले हैं, काम भी संभाला है घर का। हमने तो ऐसे जवाब नहीं दिए। देखो कितना नखरे करती हैं, देख लो आजकल की बहुओं के हाल। हाँ मैम कल युग आ गया, चलो जैसे उनकी मर्जी। ठीक है बहन मैं तो चलती हूँ। चाय नहीं पियोगी? बस तुम अपना मेरा काम तो हो गया, मेरा काम तो हो गया। ये मत बोलना, ये पक्का बोल के जाना मेरा काम तो हो गया। पर हंसना नहीं है। ओके चलो भाई। नेक्स्ट क्या? अब डॉक्टर आएंगे? नहीं बेटा आएगा। बेटा बेटा जा भाई। हाँ तुम करो क्लीनिंग। ये तो जैसे माँ बैठी थी पहले माँ से ही मिल ले। नहीं ठीक है चलो बेटा आएगा। ठीक है हाँ ठीक। ओह थक गए। आ गए आप? हाँ आ गए। अरे पूछो मत, तुम्हारी माँ ने सिर खा रखा है मेरा। अरे क्या हो गया? बहुत परेशान करके रखा हुआ है, चाय मांगती है थोड़ी थोड़ी देर में। चाय पिला दो, क्या बात होगी? चाय तो दे दो, और तो और चुगली भी कर रही थी आज मेरी पड़ोसन से। अरे तुम चिंता मत करो, मैं आज बात करता हूँ, कोई बात। यही कहते हो हर रोज, चिंता मत करो चिंता मत करो, करते कुछ नहीं। अरे करता हूँ भाई। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं अभी आया था। आप कैसे हो? ठीक ही हूँ बस। क्या हुआ, नाराज से लग रहे हो? नहीं नहीं बस क्या बताऊँ, मैं तो परेशान आ गई हूँ तुम्हारी बीवी से। ओ क्या हो गया, क्या कर दिया? कुछ नहीं, चाय मांगो तो दूर ही रह जाती है, पानी मांगो तो गायब हो जाती है, दस दस घंटे दस दस एक एक घंटे के बाद आती है। दस बार आवाज लगाओ तो एक बार आती है। कोई बात नहीं मम्मी, आप गुस्सा मत करो, मैं उससे बात करता। क्या बात करते हो, तुम हमेशा यही कहते हो, कब से ये सब चल रहा है? अरे हमने भी तो काम किए हैं, हमने भी तो बच्चे संभाले हैं, हमने भी तो घर देखा है। कोई बात नहीं आप शांत हो जाओ। ये आजकल की बहुओं को पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है आप शांत हो जाओ, मैं अभी बात करता हूँ उससे, ठीक है? मम्मी गंदी बहू। पहले रीना को जाने दो फिर आओ। बच्चों को देखती हूँ, खाना बनाओ फिर जॉब जाओ, है सब चीजें तो करके दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इतना चिक-चिक रहती है। मैं तो बहुत परेशान आ गई अपनी सास से। अच्छा हाँ भाई घोर कल युग आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ठीक ही कह रहे हो। हाँ चलो मैं तो चलती हूँ, मेरा तो काम हो गया। लेकिन बहन आपके घर मजा बहुत आता है। अच्छा ये चलती चलती कह रहे हैं बस अरीना यहाँ आके आपके घर मजा बड़ा आता है। चलो मैं चलती हूँ। कहेगी नेक्स्ट क्या सोच रही है? अरे कहाँ गई? नहीं डॉक्टर नहीं आऊ ना, नहीं अभी परेशान हो गई पल्ले। और अरे कहाँ गई? बस यही काम कर रही थी। क्या काम कर रही हो? खाना बना रही हूँ ना। क्या खाना बना रही हो? तुमने मुझसे पूछा क्या बनाना है? क्या आप थोड़ी थोड़ी देर में तंग करते रहते हो? अभी आप सोचो। ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो अपने में मस्त है, इसका तो कुछ पक्का इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगी। जो वो डॉक्टर साहब है मेरे जानने वाले, मैं उनसे जाके बात करती हूँ। चलो जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर अपने बच्चे के लिए क्यों डॉक्टर खुद ही कर बीच में ही बच्चों ऐसे करता हूँ ना, इन तीनों दोनों को बिठा लेता हूँ।
बच्चों के साथ। हाँ भाई ठीक है। नहीं अभी ये देखो मैं तो बच्चे से भाग रहा था। शूटिंग हो रही है। बैठो भैया चल। और मैं जज हूं कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। ओम शांति बहन, कैसे हो, क्या हुआ, मुंह लटका हुआ है? बस क्या बताऊं, मैं तो अपनी बहू से परेशान हूं, बहुत बहुत दुखी कर रखा है। क्या हो गया? बस अपनी ही मर्जी चलाती है। अच्छा। भाई डॉक्टर साहब, हमने भी तो घर के काम किए हैं, हमने भी तो बच्चे संभाले हैं, आजकल की बहुओं को क्या हो रखा है मुझे समझ में नहीं आता। हाँ बहन, लेकिन हुआ क्या, क्या चाहिए? बस जब देखो उनका मुंह ही बना रहता है। और मैं परेशान हूँ, मुझे तो उसका कुछ पक्का इलाज करना है, मुझे छुटकारा चाहिए। अच्छा, तो आपको तो आप मुझे कुछ ऐसा दें जो कि बस धीरे धीरे उसका काम करे। अच्छा, तो आप चिंता ना करें, मैं आपको एक अच्छी दवाई देता हूँ, ये लो। विटामिन नहीं, विटामिन नहीं अभी, ये लो। और ऐसे करना, जब भी उसको कुछ भी खाना दो, पानी दो, उसमें दो बूंद मिला के उसको दे देना। टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे उसका काम हो जाएगा, छुटकारा तो मिल जाएगा। अरे पक्का मिल जाएगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, उसके बगैर ये दवाई काम नहीं करेगी। आप हाँ, आपको बहू के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, बिल्कुल जैसे आप अपनी बेटी से करते हो। अपनी बेटी समझ के उसको वैसे ही व्यवहार करना, उसकी तारीफ भी करना और उसकी ख्याल भी रखना। ठीक है, तो गारंटीड है ये दवाई पूरा काम करेगी। मैं कोशिश करती हूँ। खुश रहिए, खुश डॉक्टर बीके के यहाँ आए हो तो खुश रहिए। ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद डॉक्टर बीके, बाय। बहू क्या कर रही हो? ये लो चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए, थक गई होगी ना तुम ऑफिस से आई हो। थैंक यू मम्मी। बुढ़िया को क्या हो गया, आज तो बदली गई है। जोर से बोलना है, मुझे सुनेगा नहीं किसी को। है बुढ़िया को क्या हो गया, तो बदली गई। कुछ और चाहिए? क्या कह रही हो, कुछ और चाहिए? नहीं मम्मी जी कुछ नहीं कह रही हूँ। आ जाइए आप, बैठ जाइए। और कैसा रहा तुम्हारा काम आज? बस अच्छा रहा। आप थोड़ी तारीफ कर लो उसकी। बड़ी थकी हुई लग रही हो। थक गया, बहुत काम था ऑफिस में। तो ऐसा करना, बस खाना सब्जी बनी हुई है, बर्तन वर्तन धोने की जरूरत नहीं, बस फूल के लगाने हैं। ठीक है, तुमने लगाने होंगे, तुमसे लगेगी तो लगा लेना, नहीं तो मुझे बता देना। नहीं मम्मी मैं लगा दूंगी, कोई बात नहीं। ऐसी बहू कहाँ मिलती है, तू तो ऐसी बहू कहाँ मिलती है। अभी ऑफिस का भी काम करके आई है, अभी घर का भी काम के बारे में सोच रही है। मम्मी जी आप भी तो इतने अच्छे हो, आते ही देखो चाय भी दिया आपने मुझे, इतना पूछते हो मेरे सेहत के बारे में, पूछते हो इतना अच्छा लगता है। आपको दोबारा जाके कुछ लेके फिर आना है। हाँ, और फिर करना है ये तो पहले वाले में आपने तारीफ की, फिर आप कुछ लेके आए, फिर ये तारीफ करेंगे। अभी लेके आ जाओ। देखिए डॉक्टर ना, मैं ये सोच रही थी, वही जो सारे हमारे डायलॉग थे ना, तो मैं भी वही, मैं ये सोच रही थी कि सब्जी तो बनी है, बस तुम बर्तन वर्तन कुछ मत करना, फूल के ही लगाने हैं, तुम देख लो लगा पाओगे फूल के। हाँ मम्मी जी क्यों नहीं, मैं लगा दूंगी। नहीं तुम थकी हुई लग रही हो, इसलिए सोच रही थी तुमसे पूछ लो। सो नाइस ऑफ यू मम्मी, बहुत अच्छा लगा आप इतनी केयर करते हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो, बहू और बेटियों में कोई फर्क थोड़ा ना होता है। ओह थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। आप ही तो मेरी मम्मी हो। धन्यवाद। मिल लो, मिल लो, रो लो, रो लो। अभी अभी तुम चली जाओ, अभी ये सोचेंगे। नहीं अभी ये सोचेंगे। अरे ये तो बड़े प्यार से बात करके गई है, मैं तो नाटक ही कर रही थी, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही। कहीं नाटक तो नहीं कर रही। मे बी अब शायद आप दूध वगैरह ला सकते हो। हाँ। के लो मम्मी दे लो, दे लो, और फिर मुझे लगेगा कि नहीं ये नाटक नहीं कर रही। इसने बोला नाटक तो नहीं कर रही, तुम दूध दे लो। ये नाटक तो नहीं कर रही, बोलना कि मैंने खाना बना दिया। ये लो मम्मी जी आप खाना खा लो, मैंने खाना बना दिया। अरे मैं तो कह रही थी मैं बना दूंगी। अरे नहीं मम्मी जी आप खा लीजिए, और बर्तन भी रेस्ट कर लिया। हाँ बर्तन भी धो दिए, अच्छा रेस्ट हो गया था मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा मैं खाना बना देती। और आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना, आपको कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना। कोई बात नहीं, थैंक यू, धन्यवाद।
खाना भी दे गई, घर का काम भी चुपचाप कर दिया। ये तो बड़े अच्छे से पेश आ रही है, इसका मतलब नाटक तो नहीं है। मुझे लगता है मुझे वापस डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा जाके, क्योंकि मुझे इसे मारना तो नहीं है, इसे परेशान तो नहीं करना, नुकसान नहीं देना है। ये तो बड़ा अच्छा बिहेव कर रही है। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, मुझे लगता है कि मेरी बहू ना अच्छी है। अच्छी है? हाँ, वो अच्छा। मैं तो नाटक कर रही थी आपने जैसे बताया उसके साथ, लेकिन वो तो वापिस अच्छा व्यवहार कर रही है, मुझे खाना पूछ रही है, मेरा काम भी शांति से कर रही है। तो मुझे लगता है मुझे आपकी इस दवा की जरूरत नहीं। अच्छा। अब बस मुझे ये बताएं जो उसका नुकसान हुआ है वो कैसे ठीक होगा, जो उसके शरीर में नुकसान इस दवाई के वजह से हुआ है वो कैसे ठीक होगा। ये दवाई नहीं थी, ये तो विटामिन थे, विटामिन। मैंने पहले ही बता दिया। अरे सच में? हाँ, और इससे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, शुक्र है भगवान। जो असली दवाई है वो है जो आपने उसके साथ अपना बेटी जैसा व्यवहार किया, उससे प्यार किया, उसकी केयर की, जो हमारा असली सच्चा व्यवहार जो है वही असली दवाई है, उसी का असर है कि वो आपसे प्यार से बात कर रही है। बस इसी दवाई को देते रहो और मजे लेते रहो। आप ठीक कह रहे हैं भाई, अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, क्योंकि अपने ही व्यवहार में, अपने ही अच्छे व्यवहार, जैसा व्यवहार मुझे लगता है हम किसी और के साथ करते हैं वैसा ही हमें वापस से व्यवहार मिलता है। तो अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा घर बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बीके के पास आने के लिए। मेरी दुकान आप लोगों की वजह से चल रही है, आप जैसे लोग नहीं आएंगे तो कैसे चलेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहले डायलॉग तो बोलना था, हमने व्यवहार के लिए डायलॉग बोलना था, बट एनीवे जैसी सोच जैसा व्यवहार, हम जैसी सोच और जैसा व्यवहार खुद दूसरों से करेंगे वैसे ही हम व्यवहार वापस पाएंगे। सुन लो, एक जन बोल देगा बीच में। ओम शांति। सुन लो भाई एक बार, क्या नहीं हमने ठीक करा है, ठीक है, सुनिए फिर दोबारा। सबको दिखा दे एक बार इधर।